गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज से हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हमारा सन सैल्यूटेशन है। सन सैल्यूटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सूर्य नमस्कार। बच्चों, आज जो हम सीखने वाले हैं उसमें 12 स्टेप्स होते हैं और इन 12 स्टेप्स को हम धीरे धीरे करके 3-3 स्टेप्स डेली सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे कौन कौन से स्टेप हमें करने हैं। चिल्ड्रन, जो सूर्य नमस्कार का हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इस तरह से खड़े होना है, अपने लेग को ज्वाइन नहीं करना है, थोड़ा सा इतना सा ओपन करके रखना है और उसके बाद अपने हैंड को इस तरह से हम ऊपर लेके आएंगे और अपने हैंड को पाम को इस तरह से ज्वाइन करेंगे एंड देन अपने सामने लेके आएंगे, इसको चेस्ट के पास रख लेंगे। हम अपने हैंड को चेस्ट के पास रखेंगे, हम अपने हैंड को इस तरह से भी रख सकते हैं और इस तरह से स्ट्रेट भी रख सकते हैं। बच्चों, ये जो पोजीशन है ये हमारी सूर्य नमस्कार की फर्स्ट पोजीशन है। हम मंत्र में इसे ओम मित्राय नमः कहते हैं। बच्चों, तो जब हम सूर्य नमस्कार पूरा कर लेंगे तो हम इस पोज को ओम मित्राय नमः कहेंगे। देन हम इसी पोज के साथ सेकेंड स्टेप करेंगे। सेकेंड स्टेप के लिए हम यहीं से इस तरह से अपने हैंड को ऊपर लेके जाते हैं और जितना आप स्ट्रेच कर पाए बॉडी को धीरे धीरे करके पीछे जाएंगे। होल्ड करेंगे, देन वापस हमको उसी पोज में रहना है, उसी तरह से हमें होल्ड करना है 5 सेकेंड तक। वो जो सेकेंड स्टेप हमारा होगा ओम रवये नमः में हमें इस तरह से पीछे रहना है और 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। एंड देन हम जब यहाँ से वापस आएंगे तो हम इसी तरह से नीचे की ओर जाएंगे और अपने हैंड को अपने फुट के पास रखेंगे और अपने फोरहेड को हम कोशिश करेंगे कि हमारा फोरहेड नी को टच करे और होल्ड करें। दिस इज कॉल्ड सूर्य नमस्कार। इसको हम ओम सूर्याय नमः कहते हैं। बच्चे, ये हमारे पार्ट का थर्ड स्टेप है। इस तरह से हमें फर्स्ट से 3 स्टेप्स करने हैं। तो बच्चों, फर्स्ट स्टेप में हमें इस तरह से अपने हैंड को ओपन करके यहाँ पे रखना होता है। देन सेकेंड में हम इसी से ऊपर लेके जाते हैं और स्ट्रेच करते हैं बॉडी, ये हमारा ओम रवये नमः होता है। देन थर्ड जो स्टेप है हमारा, उसके लिए हम सामने से नीचे की ओर आते हैं और ट्राई करते हैं कि हमारा फोरहेड नी को टच कर जाए। तो ये हमारा जो स्टेप होता है वो ओम सूर्याय नमः होता है। तो बच्चों, आज के लिए आप इन 3 स्टेप्स की प्रैक्टिस करिए और ट्राई करिए। इसको स्लो स्लो करेंगे हम, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेच नहीं करेंगे, जितना आपसे हो पाएगा आप उतना ही स्ट्रेच करेंगे। सो बच्चों, जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे उससे पहले आप लाइट वार्म अप करेंगे, लाइट वार्म अप के बाद ही आप सूर्य नमस्कार करेंगे। सो चिल्ड्रन, आपने जैसे देखा कि आपको 3 स्टेप्स करने हैं आज, तो बच्चों आप वार्म अप के बाद इन 3 स्टेप्स को आज करिए और बच्चों आप प्रैक्टिस करते रहिए डेली सूर्य नमस्कार की। मैं आगे के स्टेप्स कल बताऊंगी, आप देखिए कि कौन से स्टेप हमें किस तरह से करने हैं। आप एक्सरसाइज डेली बच्चों करते रहिए और फिट रहिए।